तल साहब, आपका हरिद्वार श्रीनगर में खुशामदीद है। वैसे आम तौर कहते हैं कि जहां तलत महमूद साहब जाते हैं तो वहां मरगुजार से चौकीदार खड़ा हो जाता है, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी की हालत आपने देखी होगी, तो क्या तवक्का करेंगे सर हम आने वाले वक्त में कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए आपकी तरफ से? देखिए, मेरी कोशिश रहेगी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी हर लिहाज से आगे बढ़े, और मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी का शुमार हो। जो ऑलरेडी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से काफ़ी अच्छे यहाँ के रैंक्स हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो मेरी मैं पहले तो हर चीज़ को समझूंगा अच्छे से, और फिर कोशिश करूँगा कि यूनिवर्सिटी को आगे से आगे और ऊपर से ऊपर पायदानों पे ले जाऊं, और साथ में जो दूसरे हमारे इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे जो हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट की थी नए कैंपसेस की, उसको मैं चाहूँगा कि वहाँ के बच्चों को भी पूरा मौका मिले कि वो अपने घर पे पढ़ें और वहाँ से वो आगे बढ़ें। सर, और एक सवाल है कि आप अभी एक उर्दू मुशायरे में आए थे, अपने तशरीफ़ आवरी आपकी हुई थी यहाँ पे, और यहाँ आपने उर्दू के बारे में बहुत कुछ सुन लिया। सर, उर्दू जो कि हमारी मुल्क की तीसरी जबान है और जम्मू कश्मीर की ये सरकारी ज़बान है सर, लेकिन उसको वो फ़रोग अभी तक नहीं मिल पाया जिसकी ये ज़बान हकदार थी। वैसे तो एक वाइस चांसलर के हम कहेंगे कि आप हमारे जो यूनिवर्सिटी है यहीं से तो हर एक चीज़ निकलती है, उर्दू के सिलसिले में आपके क्या इकदाम होंगे सर? भाई, मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट है उसको मैं खुद देखूं और उसको जो है कोशिश करूं कि वो वहाँ पे अच्छे से अच्छे तहकीक हो, अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो, और साथ में हमारे डिस्टेंस एजुकेशन से भी उर्दू की पढ़ाई होती है, उसमें मैं किस तरह से इसको आगे बढ़ाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ जो हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते हैं वो कम से कम डिस्टेंस एजुकेशन से उसका फ़ायदा उठाएं, और उर्दू ज़बान चूँकि यहाँ की ऑफिशियल ज़बान है तो उसको सब लोगों को पढ़ने का मौका मिले, ताकि वो एक ज़बान भी आगे बढ़े और उसकी तरक्की हो, और उसमें जो मुझसे होगा मैं ज़रूर करूँगा। सर, अभी यूसुफ टेंग साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि हमारे यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में या बाकी जगहों पे जो उर्दू के पोस्ट्स हैं, उर्दू लेक्चरर या प्रोफेसर, उर्दू ना जानने वालों को उस पर अपॉइंट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। सर, ये हाल कश्मीर में भी है, जबकि यहाँ हमारे पास उर्दू के काफ़ी स्कॉलर्स मौजूद हैं, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो अभी बिल्कुल घरों में बैठे हैं। सर, क्या उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? देखिए, मैं बात करूंगा यहाँ के ऑफिशियल से, जो यहाँ के स्कूल्स को देखते हैं, जो हायर एजुकेशन के लोग हैं, सभी से मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे टीचर बन सकते हैं, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। जो उर्दू जबान जानते हैं उनको पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। शुक्रिया सर, उर्दू वर्ल्ड से।